ये एक कंसिस्टेंसी है, ये एक नियम है कि मेरे को वीडियो बनानी है और कल सुबह अपलोड करनी है, ये एक रूटीन बना लो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब मैंने एक स्केचिंग करना स्टार्ट करा था तो एक बहुत ही छोटी प्रैक्टिस को मैं परस्यू किया था और आज भी करता हूँ और हमेशा शायद करता रहूँगा, क्योंकि उस प्रैक्टिस को आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपका जो हैंड मूवमेंट है वो अच्छा होगा, आपकी लाइन में जो आप लाइन खींचते हो स्केचिंग करते वक्त उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड आपकी जो स्केचिंग स्किल है वो भी डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको जो मूवमेंट है कि पेंसिल को पकड़ते कैसे हैं, सही तरीका क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। फर्स्ट ये देखो, ये पेंसिल है और बहुत बड़ी नहीं है और बहुत छोटी पेंसिल नहीं है। ठीक है, इतनी है कि मैं इसको आराम से होल्ड कर सकता हूँ, ये देखो। ठीक है, अब बात है कि इसको पकड़ना कैसे। कुछ लोग ऐसे करके पकड़ते हैं जैसे हम राइटिंग करते हैं ना, इस तरीके से पकड़ते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप शीट के ऊपर काम करते हो, ठीक है, जैसे मान लो ये शीट है, स्क्रीन को शीट मान लेते हो, ठीक है, स्क्रीन पर काम करते हो तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हो। मतलब आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो, यहाँ से करते हो तो बस फिर यहाँ तक रुक जाते हो, फिर क्या आपकी अपनी कलाई को आपको शिफ्ट करना पड़ता है दूसरी तरफ। ठीक है, एक तरीका ये है और एक तरीका है ये, जो अपनी तीन फिंगर यहाँ पर और एक थम जो है ऊपर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ओवर हैंड ग्रिप एंड ट्राईपॉड ग्रिप। ठीक है, तो ये ट्राईपॉड ग्रिप है और ये है ओवर हैंड ग्रिप। मैं हो सकता है कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ तो इसको छोड़ देते हैं, तरीका समझते हैं। ठीक है, एक है ऐसे और एक है ऐसे। हमारा जो ये पूरा हैंड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जब हम इस तरीके से पेंसिल को पकड़ते हैं ना तो हम पूरे हैंड को यहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, इससे बेनिफिट क्या मिलता है, जब हम कैनवस पे काम करते हैं, जब हम बड़े एरिया को एक बार में कवर करना चाहते हैं तब हम कहीं ना कहीं इस तरीके को यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है ना, हम पूरे जो शीट है उस पर एक अच्छी कमांड बना सकते हैं। बट जब ऐसे करके पेंसिल को पकड़ते हैं तो हम जो है डिटेल जो है उस तक ही जा पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसके भी दो हैं, मतलब इसके भी दो तरीके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम ऐसे पकड़ते हैं पेंसिल को तो पूरा हैंड यूज़ में आता है, ठीक है, वो भी आता है, और ये वाला जो एंगल है हमारा, मतलब ये हाथ यहाँ तक नहीं शिफ्ट होगा, ये सिर्फ ये चीज़ चलेगी। ठीक है, और जो ये चीज़ है ये भी चीज़ चल सकती है। बट जब हम ऐसे काम करते हैं ना तो दो चीज़ें चलती हैं, एक तो हमारा जो ये वाला कलाई है पूरा, ये यूज़ में आता है, एंड दूसरा ये जो मेरी अब तीन फिंगर देख रहे हो जिससे मैंने पेंसिल को पकड़ रखा है, ये दो और ये तीसरा। ठीक है, ये देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्केचिंग के अंदर। आप आर्टिस्ट को तो देख लेते हो कि फटाफट बस उसने पेंसिल उठा और ले फटाफट स्केचिंग कर दी, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही छोटी प्रैक्टिस है जिसको मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। लेकिन पहले आप ये समझ लो कि यूज़ क्या है। जब हाथ को ऐसे पकड़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी पूरी कलाई का यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो डिटेल है, जैसे ये जो तीन फिंगर है ना, ये डिटेल के काम आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट। अब मैं आपको इसके प्रैक्टिस बताता हूँ। तो ये जो मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगा ना, आपको इसको ऐसे करके भी करना है और ऐसे करके भी करना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो पहले शीट को आप ऐसे टेबल के ऊपर रखो, और जैसे मैंने रखा है ऐसे ही, ठीक है, ट्राईपॉड पे या फिर शीट को खड़ा करके रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके टेबल के ऊपर रखो और पेंसिल से आप लाइंस खींचो। ठीक है, अभी देखने में बहुत सिंपल लगता है, बहुत ईजी लगता है, लेकिन क्या है ना, इससे आपकी जो हैंड मूवमेंट है एक तो वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या है, आपकी जो एक कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा। ठीक है, पहले क्या करना है, सिर्फ सीधी सीधी लाइन खींचनी है, और आपको ये ऐसे करके भी पकड़ के करना है एंड ऐसे करके भी करना है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नए हो, अगर आप ऐसे पकड़ के नहीं कर पा रहे हो तो फिर सिर्फ ऐसे पकड़ के ही करो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये सब आप नोट कर लो। ठीक है, और ये सब प्रैक्टिस जो है आपको ना कम से कम नहीं तो दिन में 5 मिनट या फिर 10 मिनट तक तो एटलीस्ट करनी ही है। ठीक है, एक तो लाइन की प्रैक्टिस करो, और ज़रूरी नहीं कि ऐसे करके ऐसे से ही खींचना है, फिर आप उसको ऐसे ऐसे करके भी खींच सकते हो इस तरीके से। इससे होगा क्या, मैं आपको जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसके अंदर मैं बता दूंगा। ठीक है, और क्या करो, आप एक सर्कल की प्रैक्टिस करो।
इस तरीके से। अब मुझे पता है, देखो जितना इजीली ये बन गया है ना, स्टार्टिंग में कैसे बनेगा आप लोगों का, थोड़ा सा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। और इतना डार्क नहीं चलाना है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत तरीका। पहले क्या, अपने हैंड को ना रिलीज़ करना है बहुत सॉफ्ट तरीके से, बहुत ढीले तरीके से ऐसे पेंसिल पकड़ो और फील करो कि यहाँ पर सर्कल बन रहा है, ठीक है। फिर एक बार जो है आप उस पेंसिल को नीचे रख दो और फिर उस पर ओवरलैप करते रहो, ठीक है। और फिर जब आपको लगे कि हाँ सर्कल बनना है, फिर आप चाहो तो पेंसिल को अपना डार्क भी कर सकते हो, उस पर ओवरलैप करते रहो इस तरीके से। जैसे यहाँ पर ये गलत बन रहा है ना, तो आप इसको ही ठीक करने की कोशिश करो। आपको ही पता है कि देखो यहाँ तक ये ठीक है, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं ये पिचक गया है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ये, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में तो गड़बड़ी होने वाली है, स्टार्टिंग में तो मैं कह रहा हूँ बहुत गड़बड़ होगा, लेकिन इसकी क्या है, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। मेरी डॉक्टर वाली राइटिंग है मेरी बिल्कुल। एनीवे, तो अब आपने क्या सीखा, एक तो स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस और एक सर्कल की प्रैक्टिस, ठीक है। और ये ऐसे करके भी पकड़ के आपको करना है, और ऐसे करके भी करना है, ठीक है। जब सर्कल कर लोगे तो फिर ओवल भी करो थोड़ा सा, ये देखो भाई, मैं तो बहुत आराम से कर ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग स्टार्टिंग में इतना फ्री होके काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्या है, स्टार्टिंग में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, एटलीस्ट 1 वीक तक भी कर ली ना, तो देखना आपकी जो पहली शीट होगी और जो 1 वीक के बाद की शीट होगी, उसमें देखना ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा, और इससे जो आपका एक कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा। तो बताने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं छोटे से 2 पॉइंट बता रहा हूँ, 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जो लाइन है उसको हर तरीके से प्रैक्टिस करो, ऐसे भी करो और ऐसे भी करो, और हो सकता है अपने हाथ को थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे भी करो, ठीक है। अपने इस हाथ को ना बिल्कुल जैसे मशीन बोलते ना, मशीन बिल्कुल इस तरीके से चलाना सीख लो, ठीक है। मतलब हर एंगल में आप जो है काम करो। स्टार्टिंग में बहुत सारी लाइन्स आएंगी, ठीक है, कुछ मैसी लाइन्स आएंगी, लेकिन क्या है, आपको ना एक काम करना है कि आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं घबराना है। पेपर बहुत चीप पेपर है, ये फोटोकॉपी वाले पेपर होते ना, A4 साइज़ A3 साइज़ के, वो पेपर है। पेंसिल आप चाहो तो कोई भी ब्रांड की ले लो, मैंने यहाँ पे स्टेडलर की लूमोग्राफ पेंसिल ली है, ये है 4B, ठीक है। और आप 4B रिकमेंड करूँगा मैं आपको इसके लिए, 6B रिकमेंड करूँगा, एंड रिकमेंड करूँगा आपको 8B, ठीक है। ये 3 पेंसिल्स हैं, इससे आप लाइट और डार्क दोनों ही तरीके के आप स्ट्रोक्स लगा सकते हो इसमें, ठीक है ना। अब देखो ये जैसे डार्क चल रहा है, फिर यहाँ पे लाइट चल रहा है, इस तरीके से वो आएगा, ठीक है। वो प्रैक्टिस धीरे धीरे करोगे तो आ जाएगा, मैं आगे भी बताऊँगा इसे, डोंट वरी। बट क्या है, पहले इसकी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, अच्छे से। और लाइन से घबराना नहीं है, गलत होगा कोई बात नहीं, दोबारा 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 करते रहो, और इससे जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये देखो मेरी राइटिंग्स, ओए होए क्या लिखा है मैंने, बढ़िया, यहाँ भी देखो कॉन्फिडेंस है ना, बस यही चाहिए, ठीक है, अच्छे से। और फिर जब आपको लगे कि हाँ लाइन ठीक आ रही, तो फिर अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, इस तरीके से। देखो गड़बड़ी होना, काम का ना होना, ये बिल्कुल आम बातें हैं, ठीक है। मतलब कोई भी जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना, उससे ये प्रॉब्लम होगी ही, एक बार में कोई परफेक्ट नहीं कर लेता है। और अगर गलती नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सही सही दिशा में जा रहे हो, हो सकता है आप गलत दिशा में भी जा रहे हो, ठीक है। ये ज़्यादा बोल दिया क्या मैंने, नहीं, ठीक है। ये उसके लिए है यार कि देखो गड़बड़ होना ये नेचुरल है, गड़बड़ तो होगा ही, किससे नहीं होती गड़बड़। मैंने अगर ये जो मैं प्रैक्टिस अभी कर रहा हूँ ना, लाइन खिंचती नहीं थी सीधी, ठीक है, सर्कल तो मतलब अंडा भी शर्मा जाए ऐसा सर्कल बनता था मेरा। तो इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, अपने हाथ को एक मशीन बना लो, ठीक है, मशीन जो सब कुछ कर सकती है, ठीक है। कोई भी स्केच हो, कोई भी ड्राइंग हो, देखो जर्नी बहुत लंबी है, लेकिन जर्नी का ये स्टार्ट है, ठीक है। अगर स्टार्ट में ही घबरा गए और स्टार्ट में ही सोच लिया कि अरे यार मुझसे नहीं होगा, तो गिव अप कर दोगे तो फिर तो कुछ भी काम आप नहीं कर सकते ऐसे, तो ठीक है, अगर यहाँ गिव अप कर दिया तो। बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है, और बहुत ईजी प्रैक्टिस है, ठीक है। स्टार्टिंग में सर्कल में सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। लाइन तो चलो फिर भी खींचेगी,
सर्कल बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन भरोसा रखो भाई की बात का भरोसा रखो, ठीक है, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। बट करना यह है कि प्रैक्टिस करना है, रोज करना है। अच्छा, मान लो अगर आपको टाइम नहीं मिलता कि भाई आप कह रहे हो कि मैं जॉब करता हूँ या फिर और भी कुछ काम है, मेरी पढ़ाई है, ये सब चीज़ें, ठीक है, मैं समझता हूँ यार, होता है। लेकिन क्या है, आपको 10 मिनट तो अपने लिए मिलते हैं ना लाइफ में। अगर 10 मिनट भी नहीं मिल रहे तो समझ लो भाई ये लाइफ ही बेकार है फिर तो, ठीक है। उस जो भी कर रहे हो उससे निकलो, 10 मिनट तो एटलीस्ट आपको अपने लिए होने ही चाहिए अपनी लाइफ के अंदर ना। तो 10 मिनट निकालो और एक टाइम सेट कर लो कि हाँ भाई इस टाइम को मैं ये काम करूँगा। जैसे मैं आपको अपना एक उदाहरण देता हूँ, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, रात के 8 बज चुके हैं, 8 बजे, एक सेकंड में बता देता हूँ, सॉरी 8 बोल रहा हूँ यार, देखो क्या टाइम हो रहा है, 9:55, ठीक है। तो ये एक कंसिस्टेंसी है, ये एक नियम है कि मेरे को वीडियो बनानी है और कल सुबह अपलोड करनी है। ये एक रूटीन बना लो, ठीक है, एक रूटीन ये बना लो कि हाँ मेरे को 10 मिनट तक ये जो मैंने प्रैक्टिस बताई आपको ये करना है, ठीक है। ये नहीं करना तो जो आप स्केच करते हो, अगर आप कुछ भी काम करते हो ना, तो एटलीस्ट अपने लिए, और किसी के लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए नहीं, दोस्त यार के लिए नहीं, गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, अपने लिए ये काम आपको करना है, मतलब करना है और हर हालत में करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे ना, फिर एक टाइम को जब दूर निकल जाओ, फिर कहोगे यार देखो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, आज मैं कहाँ पर आके स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं कल। ओके, बाय।